नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया है, जिसमें मतदाता काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान डालने की प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए आपको सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लिए चलते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भाग्य लिखा जा रहा है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं टेंगनापाली, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी केराबाई मनहर अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, केराबाई मनहर मतदान करने टेंगनापाली पहुंच चुकी है और महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुछ नए मतदाता हैं जो इस साल अपना पहला मत का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, उत्तरी गणपत जांगड़े घर से पूजा करके मतदान के लिए निकल रही है। जी हां, ये उत्तरी गणपत जांगड़े कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और अपने घर से पूजा पाठ करके मतदान करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकल रही हैं। और वहीं बसपा के प्रत्याशी अरविंद खटकर भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो सारंगढ़ में शांति प्रिय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लोग उत्साह के साथ मतदान करने जा रहे हैं। इस बार खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ तक कि दिव्यांगों को, जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, उनके लिए खास व्हीलचेयर का व्यवस्था किया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। और आपको बता दें, कई जगह के मतदान केंद्रों को मॉडर्न मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां आप सेल्फी लेकर इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं और अपने मत का प्रयोग आप लोगों को जागरूक करने हेतु दिखा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार।